वेलकम टू न्यूज टीवी 99। पीडीएस चावल की गैरकानूनी फरोख्त करने वाले गिरफ्तार। इस ताल्लुक से हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से जारी करदा प्रेस नोट। तेलंगाना स्टेट टास्क फोर्स की टीम ने स्टेट सिविल सप्लाईज ऑफिशियल्स के साथ मिलकर फलकनुमा के रहने वाले मोहम्मद मोहसिन और उपगुड़ा के रहने वाले सोगुला रमनजन यूलू को गिरफ्तार किया। प्रेस रिलीज के मुताबिक पेशे से लॉरी ड्राइवर मोहम्मद मोहसिन ने पीडीएस चावल की खरीदारी का मंसूबा बनाया, जो तेलंगाना हुकूमत की तरफ से वाइट कार्ड होल्डर्स को मुफ्त में तकसीम किया जा रहा है। दोनों मुलजिम अफराद ने चावल कम कीमत पर खरीदा और चावल ऑटो ट्रॉली TS15UC7465 में भर दिया। ट्रॉली में 12 टन पीडीएस चावल की बोरियां पाई गई हैं, जो कर्नाटक के हुमनाबाद शहर में ज्यादा कीमत पर बेचने का इरादा किया गया था। इतला मिलने पर टास्क फोर्स इंस्पेक्टर और उनकी टीम ने मुलजिम अफराद को गिरफ्तार कर लिया और 12 टन पीडीएस चावल और ऑटो ट्रॉली जब्त कर ली। गिरफ्तार हुए अफराद मोहम्मद मोहसिन और सोगुला रमनजन यूलू छत्रीनागा पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिए गए हैं। ये गिरफ्तारियां एस राघवेंद्र, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस साउथ जोन, SIV नरेंद्र, एन श्रीसैलम, मोहम्मद तकीउद्दीन और उनकी साउथ जोन टास्क फोर्स टीम के साथ मिलकर की गईं, जिसके लिए ASCO से जी तनुजा और उनकी टीम ने भी मदद की है।